हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज जो है स्पेशल वीडियो, माशाल्लाह आज हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट। छोटी सी हमारी एक गेस्ट आई हुई है, ये सारा उसका नाश्ते का इंतजाम किया हुआ है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। हाँ, छोटी सी बच्ची आई हुई है आज हमारे घर, ये उसके लिए दस्तरखान लगा हुआ है और वो माशाल्लाह नाश्ता कर रही है, और उसको शर्म भी आ गई। अब साथ ही छोटी सी मासूम सी बच्ची आई हुई है जुनैरा, जिसको जिसकी वीडियो हमने आपको पहले भी दिखाई थी और उसको आप काफी लाइक किया था, काफी कमेंट्स आए थे माशाल्लाह सबके। तो हाँ माशाल्लाह बहुत इसकी वीडियो पे लाइक आए थे। और ये रोटियां थी रात की, मैंने इनको थोड़ा सा हल्का सा घी पानी लगा लिया है, कुछ दो तीन नान मंगवा लिए हैं। ये शोरबा बनाया था हसान के लिए, तो ये थोड़ा सा साथ चने आमिल ले आए हैं, चने और दही वगैरह। ये लस्सी बनाई है, लस्सी गर्मी की वजह से हमने चाटी की लस्सी बनाई है, दही की लस्सी। गर्मी बहुत ज्यादा है, मैंने कहा बच्चे भी फिर पी लेंगे साथ ही। नाश्ता चल रहा है और जुनैरा को भी नाश्ता दिखाया जाए। जुनैरा को भी दिखाओ। ये जुनैरा है हमारी स्पेशल गेस्ट माशाल्लाह। जुनैरा इधर देखो, छोटी सी डोल मेरी, ये माशाल्लाह पहलवानों की बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके दादा का नाम था बिल्ला पहलवान। वो परेशान हो गई है कि ये क्या देख रहे हैं। वालिद का नाम भी माशाल्लाह पहलवानों में है, उसने कुश्ती की है इसके वालिद साहब के होते हुए। सदके जाऊं। उसका नाम है नसरुल्लाह भट्ट पहलवान। अरे सदके, शर्म आ गई, अब उसको शर्म आ गई है। ये मेरा माशाल्लाह हसान है, ये भी नाश्ता कर रहा है। हसन जुनैरा सीधे होकर बैठो, सीधी हो जाओ। अच्छा जी, ये लो, ये छोटी सी बच्ची है हसन, ये लो। ये निहारी आज हमने पकानी है, निहारी का प्रोग्राम बन रहा है, मैंने कहा निहारी बना लेते हैं, बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं। तो ये मैंने गोश्त को ना वेट रखवा दी है यखनी बनाने के लिए, निहारी के बीफ का गोश्त है। कितना गोश्त था ये? तकरीबन होगा आधा किलो, 3 पाउंड है। यहाँ नाश्ता बन रहा है। हाँ जी, अभी मैंने आटा गूंदा है, मैंने कहा बच्चों को साथ नाश्ता बना दूं। ये निहारी का डब्बा मंगवाया मैंने नेशनल वाला, पूरी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। हाँ जी, ये देखिए मैंने आपको दिखाया था कि गोश्त को हम यखनी निकाल रहे हैं, गोश्त ही निकल आई है। ये हमने प्याज ब्राउन किए हैं और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और अब इसमें गोश्त डाल रहे हैं, अदरक लहसुन एक प्याज सा, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और इसको ब्राउन करके फिर हम वो निहारी का जो डब्बा था वो दिखाया वो डालेंगे। ये आटा थोड़ा सा घुला हुआ है, ये फिर हम हिसाब से देखेंगे कि किस तरह आटा डालना है, उसी हिसाब से फिर इसमें आटा डलेगा और फिर गर्मा गर्म हमारी निहारी तैयार हो जाएगी। आटा भी मैंने गूंदा हुआ है, मैंने कहा साथ ही रोटियां बना लेंगे। उतर गया पाई, ये देखें, ये हमने निहारी का पैकेट डाल दिया, साशे दिल्ली निहारी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जबरदस्त निहारी, माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और साथ ही थोड़ा सा दही डालेंगे, थोड़ा सा दही डाला है इसके अंदर ना। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। निहारी की खुशबू बहुत कमाल आ रही है, जैसे बाजार की निहारी हो माशाल्लाह। दही का ढक्कन उधर पड़ा होना है, गोश्त बहुत ज्यादा माशाल्लाह गला हुआ है, जबरदस्त किस्म का। हाँ, नॉर्मल सा रखना है, रखा हुआ ना गोश्त, क्यों कड़ी पे। हाँ जी, क्योंकि फिर वो जब ये बनेगा इसमें जब, तो उसमें भी थोड़ा सा ये गल जाएगा। हाँ जी, यखनी जब डालेंगे तो फिर इसका वो बन जाएगा। अभी तो भूनेंगे अच्छी तरह, ये जब इसका पानी खत्म हो जाएगा ना, जब हाँ पानी इसका सूख जाएगा, फिर हम इसको आटा डालेंगे इसके अंदर। यखनी जा रही है जी, जितनी गोश्त की यखनी निकाली थी ना, सारी इसमें ऐड करती है। अब ये इसमें आटा ऐड हो रहा है।
आपने व्हाइट आटा मिक्स करना है जो बाजारी होता है, गंदुम का नहीं आटा मिक्स करना। सफेद आटा देख लो, जब तक ये उबाल नहीं आ जाता चम्मच आपने हिलाते जाना ताकि आटे की गुठलियां ना बन जाए। हाँ जी, इसको फिर आपको हम गरम गरम रोटी के साथ दिखाएंगे। ये देखिए, ये अब टेस्ट करने के लिए हमने लिया है कि इसका नमक वगैरह देंगे। इसमें वीडियो को कट नहीं मैं कर रही, साथ साथ आपको दिखा रहे हैं कि जब इसमें मतलब आटा डाला तो साथ साथ इसमें चम्मच हिला रहे हैं। ये इतनी मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है न्यारी बनानी, बस ये बना बना के तजर्बा हो जाता है। माशाल्लाह जो लाहौर वाली बाजी है आमरा बाजी, उनकी निहारी बहुत कमाल की होती है, उन्हीं से हमने भी सीखी हुई है। वो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, वो जब भी जाते हैं ना वो जरूर बच्चों को खाकर पकाती है न्यारी। चिकन की भी बहुत जबरदस्त बनाती है, चिकन भी बहुत अच्छी। चलो ये अब इसको बॉयल आ गया, अब इसकी आंच हल्की कर देंगे। ये देखे चल, अब इसको रख देंगे। हाँ, इसका ढक्कन दो, जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती, घी ऊपर नहीं आ जाता उस वक्त तक ये खुद ब खुद ही गाढ़ापन इसका महसूस होना शुरू हो जाएगा। हरी बन गई है, अब इधर साथ साथ हम रोटियां बना रहे हैं। हरी माशाल्लाह देखें तैयार है, इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, अभी हम प्लेट में माशाल्लाह डाल रहे हैं खाना खाने के लिए। ये देखिए, अब आप इसके अंदर लीमू भी निचोड़ के डाल सकते हैं और प्याज ब्राउन करके भी डाल सकते हैं, इसको नान के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये लीमू काट के इसके साइड पे सही है, साइड पे खड़ा करते हैं। आज धनिया नहीं मिला, ये पता नहीं आज धनिया क्यों नहीं मिला, वरना इसके ऊपर धनिया डालते और थोड़ी सी अदरक क्रश करके डालते तो बहुत अच्छी लगनी थी। रोटी गरम गरम निहारी बनाई है, अब ये दुआ और ये हमने मिलकर और आंटी आई हुई है, ये थोड़ा नींबू डाल रहे हैं, चटखारे मजे, चटखारे के मजे के, और ये पापा बाइट लेंगे बताएंगे। बहुत टेस्टी बनी हुई है, बाजार से भी होती है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम अपने मामू की तरफ आए हुए हैं और मामू ने हमें आज छोटे गोश्त की निहारी पका के हमें हमारी मदद हमें खिलाई है, तो अल्लाह ताला इनके जायकों में इनके खानों में बरकत अदा फरमाए, तो बहुत मजे की निहारी बनी है। तो जो है ना वो ऊपर नींबू हमने छुने के, ये देखे ये हमने ऊपर नींबू छिने का गोटियां सारियां खा रही है, और जो है ना मैंने निहारी बहुत मजा आ रहा है निहारी खाने का। आप भी ऐसी निहारी पकाए और आप भी खाए और आप भी लतुफ और मजे उठाए और हमें भी सुकून से खाने दे। चलें जी, निहारी खूबसूरत निहारी के साथ वीडियो का इधर ही एंड करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।